स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ में एक रिवीजन टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन टेस्ट सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 49 में बुक में आप लोग देखेंगे एक रिवीजन टेस्ट। ठीक है, तो उसी रिवीजन टेस्ट को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 49 में आप लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है, कुछ इमेजेस बने हुए हैं, केक्स का कुछ इमेजेस बना हुआ है और इसमें से कुछ केक्स कटा हुआ है। ठीक है, जैसे टोटल 5 केक्स बने हुए हैं, 2 केक्स इसमें कटा हुआ है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ब्लैंक्स बने हुए हैं, 3 ब्लैंक्स यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को सिंबल फिल करना है और इक्वल टू का फिल भी करना है। ठीक है, टोटल केक्स कितना है इसमें, टोटल केक्स 5 है, तो 5 को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट बॉक्स में। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट का पहले इक्वल टू का साइन देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे। अब सेकंड नंबर जो है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ केक्स कटा होगा, टोटल कितने केक्स कटे हुए हैं, टोटल 2 केक्स यहाँ पे कटे हुए हैं, तो 2 यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जितना केक्स बच गया है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख जाते हैं। ठीक है, इस तरह से सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं। यहाँ जो सब्ट्रैक्शन हुआ है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन के कुछ पार्ट होता है जिसको जानना हम लोगों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, पहला नंबर 5 है, उसमें 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया और रिजल्ट 3 आया। तो यहाँ पर 5, 2 और 3 इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जो फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं माइनिंग। पहला नंबर होता है सब्ट्रैक्शन में, जिसमें हम लोग किसी नंबर को घटाते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ नंबर दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब जिस नंबर में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं उसे माइनस कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर इसमें क्या है, सेकंड नंबर को क्या बोलते हैं, सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, द क्वांटिटी ऑफ नंबर दैट आर टेकन अवे, ओके, दैट आर टेकन, दैट मींस जब हम लोग माइनस यानी जो बड़ा नंबर होता है उसमें कुछ नंबर्स को निकाल देते हैं। ठीक है, टेकन अवे दैट मींस कुछ नंबर्स को हम लोग उसमें निकालते हैं, तो जितना हम लोग निकालते हैं उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और तीसरा नंबर जो होता है इसमें, इसको हम लोग कहते हैं रिजल्ट, इसका नाम है डिफरेंस। ठीक है,
The answer of subtraction is called difference. यानी subtraction में जो result आता है, जो answer, उसको हम लोग कहते हैं difference. ये तीनों चीज़ आपको याद रखेंगे, याद रखना जरूरी होता है, ठीक है? The first number which is to be subtracted is called minute, and the quantity of number that are taken away from minute is called subtrahend, and the answer of subtraction is called difference. ठीक है? ये आपको याद रखेंगे. इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू. Subtract by crossing out and write the subtraction. इसमें आप हम देखेंगे आप लोग देखेंगे कुछ कप्स बने हुए हैं, ठीक है, और इसमें से कुछ कप्स कटे हुए हैं. सॉरी, यहां पर कप्स कटा हुआ नहीं है. यहां पर हम लोग को सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट 3, ठीक है. सबट्रैक्ट 3 बाय क्रॉसिंग आउट एंड राइट द सबट्रैक्शन. यहां पे कुछ ब्लैंक बॉक्सेस है, यहां पर हम लोग को सबट्रैक्शन राइट करना है. इसमें जो टोटल इमेजेस बना हुआ है, ठीक है, इसमें सबट्रैक्ट करना हम लोग को कितना 3, ओके, सबट्रैक्ट 3 करना. दैट मींस यहां पर 3 इमेजेस हम लोग को क्रॉस आउट करना है. 3 इमेजेस हम लोग यहां क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है. अब यहां पर जो सबट्रैक्शन हुआ है, इस सबट्रैक्शन को इन बॉक्सेस में राइट करना है, ठीक है. कैसे राइट करेंगे? पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें उसी के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे. यहां पर टोटल कप्स काउंट कर लेंगे. टोटल कप्स कितना? 7. 7 हम लोग फर्स्ट बॉक्स में. उसके बाद जो क्रॉस आउट इमेजेस है, टोटल नंबर ऑफ क्रॉस आउट इमेजेस कितना है इसमें? 3. सेकंड बॉक्स में आएगा, एंड थर्ड बॉक्स में क्या आएगा? थर्ड बॉक्स में रिजल्ट आता है, ठीक है. रिजल्ट क्या होता है? जो इसमें बचा हुआ कप्स है, काटने के बाद जो बचा हुआ कप्स है वो रिजल्ट है, ठीक है. दैट इज फॉर डिफरेंस. कितना है इसमें? 1, 2, 3, 4, ठीक है. तो इस तरह से सबट्रैक्शन, यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन यूज करेंगे क्योंकि सबट्रैक्शन हो रहा है. इसमें 7 क्या हो गया? माइनस. 3 क्या हो गया? सबट्रैक्ट. एंड 4 हो गया डिफरेंस, ओके. इसी तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखेंगे. ड्रॉ डॉट्स एंड सबट्रैक्ट. यहां पे हम लोग को डॉट्स ड्रॉ करना है और सबट्रैक्ट करना है. यहां पे माइनस और सबट्रैक्ट ये पहले ही दिया हुआ है, ठीक है. तो डॉट्स हम लोग को ड्रॉ करना है. जितना माइनस है, माइनस यहां पे कितना है? 6 है. तो जितना माइनस होता है वही होता है टोटल, जिसमें सब लोग सबट्रैक्ट करते हैं. माइनस इज द नंबर व्हिच इज टू बी सबट्रैक्टेड. तो यहां पे कितना है? माइनस 6 है. तो 6 यहाँ पे डॉट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे. ठीक है, टोटल 6 डॉट्स हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. यहाँ पे सबट्रैक्ट कितना है? सबट्रैक्ट 4, ठीक है. सबट्रैक्ट मैंने बताया था द क्वांटिटी ऑफ नंबर विच आर टेकन अवे,
ठीक है, मतलब जितना निकाला जाता है, तो यहाँ पे फोर हम लोग को निकालना है, ठीक है, दैट मींस फोर डॉट्स यहाँ पे हमको निकाल देंगे, उसको क्रॉस आउट कर देंगे निकालने के लिए, तो फोर डॉट्स हम लोग क्रॉस आउट करेंगे, वन टू थ्री फोर, ठीक है। यहाँ पे ये रिजल्ट का बॉक्स है, यहाँ पर हम लोग डिफरेंस फिल करते हैं, सबट्रैक्शन का जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कितना लेफ्ट आउट डॉट्स है, कितना बचा हुआ है, टोटल टू डॉट्स आर लेफ्ट हियर, दैट मींस टू इज आवर डिफरेंस, ठीक है। इस तरह से सबट्रैक्शन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में आप लोग देखेंगे उसमें भी सबट्रैक्शन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आप लोग को करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, प्रोसेस मैंने आप लोग बता दिया है, क्रॉस आउट करके आप लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, स्टिक खींच के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वन टू थ्री में जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया वो सब सब्ट्रैक्शन का मेथड था, तो यहाँ पे भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, एट में से टू घटाना है, ठीक है, हम लोग घटा सकते हैं, एट में टू घटा देंगे सिक्स बचेगा। प्रोसेस आप लोग खुद से कर लेंगे, या तो आप लोग डॉट्स ड्रॉ करके बना सकते हैं, इमेजेस बना करके आप लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एट में टू घटाना है, एट ये माइनस है, टोटल इमेजेस हम लोग बना लेंगे, कुछ सर्कल्स बना लेंगे, फिर डॉट बना लेंगे, एट सब्ट्रैक्ट हमारा टू है, सब्ट्रैक्ट मींस द नंबर विच आर टेकन अवे, तो टू हम लोग उसमें क्रॉस आउट कर देंगे, उसके बाद जो लेफ्ट आउट है कितना बचा है उसको हम लोग लिखेंगे, वो हमारा रिजल्ट होता है डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टोटल एट इमेज बनाएंगे उसमें से टू क्रॉस आउट कर देंगे, जितना बचेगा वो हमारा डिफरेंस यानी रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको भी नाइन में फाइव माइनस करेंगे फोर बचेगा, फोर में से थ्री माइनस करेंगे वन बचेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें है फिल इन द बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ ब्लैंक बॉक्सेस है, उसको फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट में टू माइनस जीरो, टू में से जीरो माइनस करना, जीरो मीन्स क्या होता है, नथिंग, जीरो मीन्स नथिंग, तो टू में से हम लोग कुछ भी माइनस नहीं करते हैं तो कितना बचेगा, टू ही बचेगा, सिंपल सी बात। सेकंड नंबर है टू माइनस वन, यानी टू में वन माइनस करना, कितना बचेगा आप ही लोग बताइए, यस वन बचेगा। उसके बाद है टू माइनस इक्वल टू टू, यहाँ पे ध्यान देना लोग, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है और जो सब्ट्रैक्ट है वो मिसिंग है,
हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, तो माइनूट और डिफरेंस दोनों सेम है, ठीक है, दैट मींस यहां पे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू डिफरेंस टू सबट्रैक्ट, तो यहां पे नथिंग मींस कुछ नहीं होता, जीरो होता है, हम जीरो पे करेंगे, ठीक है। लास्ट में बोलते हैं कि ब्लैंक का क्या है, माइनस वन इक्वल टू टू, यहाँ पर डिफरेंस टू है और माइनूट कितना, सॉरी सब्ट्रैक्ट कितना है वन, तो हम लोग कौन सा नंबर में वन माइनस करेंगे तो टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, थ्री में अगर हम लोग वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, टू आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और भी जो इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है सिक्स से लेकर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।